दोबारा शुरू करना पड़ेगा। नाउंस का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाउंस में दो तरह की नाउंस होती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन होता है किसी भी जगह का, आदमी का, किसी का भी नाम नाउन होता है। जैसे आगरा भी नाउन है, अलीगढ़ भी नाउन है, राम भी नाउन है, डॉग कैट सब नाउन है। काउंटेबल जिनको गिन सके, जैसे वन मैन, थ्री डॉग्स, सिक्स एप्पल्स। अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे मिल्क, आपने कहा राइस, तो राइस में 2 किलो राइस, 2 किलो उसका एक मेज़रमेंट है, लेकिन राइस के दाने तो नहीं गिन रहे। अ स्पून ऑफ शुगर, तो शुगर, राइस, नॉलेज, इंग्लिश, ऑक्सीजन, इस तरह इनको आप काउंट नहीं कर पा रहे। जिसको आप काउंट नहीं कर पा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसने कहा आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन ब्लू एज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ये जो ब्लू कलर है इसको हमें बताना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो बेडरूम्स, कमरे तो गिन सकते हो, काउंटेबल। साइंटिस्ट आदमी होता है, क्या होगा, काउंटेबल। कॉफ़ी नहीं हो, गिन सकते आप, कॉफ़ी गिन सकते जब पीते हुए, कॉफ़ी अनकाउंटेबल। वाटर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। टर्न द पेज। ग्लू, ग्लू है चिपकाने का गोंद होता है, तो अनकाउंटेबल। पनीर भी अनकाउंटेबल, पनीर को गिन नहीं सकते ना, टुकड़े, क्यूब्स ऑफ पनीर होता तो वो काउंटेबल होता। रोड नहीं, रोड तो काउंटेबल होती है, आप एक सड़क, चार सड़क, छः सड़क। अब जैसे इसने कहा टेक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन, तो डू यू लाइक फिश, डू लाइक फिश। डैड रीड्स द न्यूज़पेपर, मैंस ऑफिस विल मूव टू इट्स न्यू प्रीमिसेज। प्रीमिसेज वर्ड होता है, प्रीमाइज कुछ नहीं होता, प्रीमिसेज मतलब जगह। आदमी का ऑफिस अपनी नई जगह शिफ्ट हो गया है या होगा। वेयर डिड यू कीप द बॉटल ऑफ मिल्क, मिल्क्स नहीं लिखते ना कभी भी। प्लीज ऐड सम सॉल्ट, कहते हैं नमक को सॉल्ट नहीं कहते। प्लीज ब्रिंग अ जार ऑफ स्पाइस, स्पाइसेस नहीं लिखते, स्पाइस मीन्स मसाले, ये करेक्ट वर्ड होते हैं। जैसे मंजू प्लांस टू बाय अ बायनोकुलर, अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स। बायनोकुलर्स ऐसे दूरबीन होती है जिसमें दो होते हैं, तो इसलिए कभी दो पार्ट होते हैं ना बायनोकुलर, दूरबीन के दूर देखने के या दोनों आँखों के लिए, तो उसको बायनोकुलर नहीं कहते, बायनोकुलर्स होता है, इसलिए उसको अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स। बिफोर शी विजिट्स भरतपुर बर्ड सेंचुरी, द मेट्रो इज चीप, फास्ट एंड कम्फर्टेबल। मीन्स मतलब जाने का साधन है, और मीन मतलब होता है नीचा, गिरा हुआ। All these pillars are made of iron. Irons नहीं लिखते। This publication has its headquarter. Publication एक है ना, तो headquarter आया। अगर यहाँ होता, यहाँ पे have होता, dear होता, plural होता, तो headquarters होता। ठीक है, अब यहाँ कुछ word दिए हैं, slices, bottles, can, sheets, loaves. Loaves होते हैं, loaf जैसे bread के जो pieces होते हैं, pieces को loaves कहते हैं। Sheets जो पतली चद्दरें होती हैं, स्लाइसेज ब्रेड के पीस को ही स्लाइसेज भी कहते हैं। कप, ग्लास, जार तो पता ही है। 13, चिल्ड्रन आई एम प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी फॉर हिमेश, विल यू हेल्प मी प्लान इट। तो आंटी वाई डोंट यू बेक अ स्ट्रॉबेरी केक, ये कह रहे थे क्या तुम स्ट्रॉबेरी केक क्यों नहीं बना लेते। वी विल वॉन्ट टू हैव अ लीस्ट ऑफ 2 केक्स के क्या होंगे, स्लाइसेज। हम लोग दोनों दो दो स्लाइसेज खाएंगे। फॉर द ड्रिंक्स आई थिंक अ जूस, जूस का क्या होगा, अ जार ऑफ जूस, जार में रख के ले जाएगा ना जूस तो पीएगा ग्लास में, और अ ग्लास ऑफ लेमोनेड्स या बॉटल ऑफ लेमोनेड्स। बॉटल्स दिया ना, बॉटल्स ऑफ लेमोनेड, लेमोनेड होती है शिकंजी, जो आप ना पानी में नींबू चीनी डाल के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमोनेड इन इंग्लिश। तो शिकंजी ना खा करिए, आज से क्या बोलेंगे, यू हैव टू से लेमोनेड। उसको लेमन जूस भी तो बोलते हैं ना, लेमन जूस अलग चीज़ है, लेमन जूस तो नींबू को निचोड़ के निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमन जूस। जो आप नमक, चीनी, पानी वगैरह डाल के बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमोनेड। आई विल हेल्प यू टू मेक द इन्विटेशन कार्ड, आई विल नीड फ्यू शीट्स। इन्विटेशन कार्ड बनाने के लिए पेपर की शीट्स चाहिए ना, एंड अ फ्यू ऑफ पेंट्स। और पेंट्स के क्या चाहिएंगे, यहाँ पे फिर ना फ्यू जार ऑफ पेंट्स आ जाएगा, और यहाँ कैन आ जाएगा, कैन होते हैं ना जूस के, ये रहा कैन, कैन ऑफ जूस, बॉटल ऑफ लेमोनेड। आंटी आई विल मेक द सैंडविचेस टू स्लाइसेज ऑफ ब्रेड एंड स्लाइसेस, तो यहाँ पे भी हाँ उसमें लोव्स यूज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कह रहा है आंटी आई विल मेक द सैंडविचेस, आई विल नीड टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के चाहिए और क्या चाहिए? अंडा इसमें कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे अभी छोड़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, ईच वन ऑफ यू डिजर्व्स अ हाफ ऑफ चॉकलेट एंड कुकीज। कप ऑफ हॉट चॉकलेट, कप है ना, कप ऑफ हॉट चॉकलेट। तो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, अब इसमें बॉटल्स फिल हो चुका, कैन शीट्स कप ग्लास, ग्लास नहीं है जो ब्रेड का, वेयर इज ग्लास, ब्रेड एंड अ ग्लास, ब्रेड चाहिए ग्लास चाहिए। यहाँ पे लोव्स लगा लेंगे, लोव्स ही मैंने बताया ना ब्रेड के ही होते हैं, यहाँ पे भी लोव्स ऑफ ब्रेड भी लग सकता था। कैन ऑफ जूस और अ बॉटल ऑफ लेमोनेड, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब जैसे ये भी इस तरह का ही फिल करने का है, बता देंगे भी। अब बात आई कलेक्टिव नाउन्स की, कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं, आ स्कूल ऑफ फिश, स्कूल तो चिल्ड्रन का भी होता है, ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं, जो फिश का बहुत बड़ा ग्रुप होता है उसे स्कूल कहते हैं। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, जो उल्लू होते हैं बहुत सारे उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। मर्डर ऑफ क्रोज, क्रोज के ग्रुप को कहते हैं मर्डर। अब बताइए हम मर्डर किसको कहते हैं, मारने को, ये सब इंग्लिश में ऐसे ही होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद करनी है। जैसे इसने कहा कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रुप को कहते हैं कॉलोनी। क्लस्टर ऑफ फ्लैग्स, गैगल ऑफ गीज, ये इनके ग्रुप के नाम है, ये हमें रटने होते हैं। कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स, सेलर्स का होता है क्रू, सेलर वो होते हैं जो जहाज चलाते हैं शिप पानी का। आर्टिस्ट, तो आपका ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट, बैंड वगैरह जो बजाते हैं ना। स्टैक ऑफ चेयर्स, चेयर का ढेर। पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स होते हैं भेड़िए। क्लंप ऑफ ट्रीज, ट्रीज का गुच्छा। आइलैंड्स, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स। चीता, चीता का हर्ड होगा। पुलिसमैन का पॉज। पेपर्स, पैक ऑफ पेपर्स। फुटस्टेप्स, पैटर ऑफ फुटस्टेप्स। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है, किसी एक ग्रुप के लिए यूज की जा रही है। ये अपने जी के बढ़ाने के लिए हम सबको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, जिसको हम केवल फील कर पाते हैं, ओनली फील करते हैं, तो उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपने कहा ब्रेवरी, तो ब्रेवरी क्या है, केवल फील कर पा रहे हो। ब्यूटी, कमांड, ट्रम्फ, ट्रम्फ मतलब जीतना। हैप्पीनेस, विजडम, काइंडनेस, तो ये विजडम मतलब दिमाग, ब्रेन, तो ये सब केवल आप फील कर पा रहे हो। तो जैसे ऐसे आ जाता है कि आप इनकी नाउन बनाइए वाली, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए। तो वुमेन का वुमेनहुड, चाइल्डहुड, डार्कनेस, फ्रीडम, राइट, टेस्ट, लाइफ, होप, तो ये सब होती हैं आपकी। ठीक है, ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद में मटेरियल नाउन होती है, वो आपकी में दी नहीं है इसमें बुक में। तो एक आती है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वुड, जो किसी चीज़ को लेके बनी होती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, हाँ पेपर, इस तरह वुड, तो कुछ भी होगा जो मटेरियल नाउन होगा।